हेलो दोस्तों, मैं हूँ उषा। उषा सर के किचन में आपका स्वागत है। तो आज निकालेंगे तरबूज का जूस, बिना मिक्सी बिना जूसर के, बहुत ही आसान तरीके से। वैसे तो तरबूज को ऐसे ही खाना चाहिए, जूस निकाल कर के नहीं पीना चाहिए, लेकिन कभी कभी मन करता है ठंडा ठंडा जूस पीने का। और कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, वो बीजों की वजह से तरबूज नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से तरबूज का जूस निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से जूस निकल जाता है, बिना मिक्सी बिना जूसर के। तो तरबूज ले लिया है मैंने और उसको काट लेते हैं। काट करके देखा है तो तरबूज बहुत अच्छे से पका हुआ निकला था, एकदम रेड कलर का। अब इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। जब तरबूज अच्छे से पका हो तभी जूस निकाले, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी जूस निकलता है। अब इसके छिलके अलग कर दिए हैं मैंने। आप छिलके के सहित ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें तो और ही आसानी से जूस निकल जाएगा। अब ले लिया है ये कटोरा या बाउल, और ले लिया है छन्नी या स्टेनर। अब इसमें एक पीस रखेंगे और इस तरह से इसको घिसेंगे इसी छन्नी में। घिसने से ही जूस निकल जाएगा। जो इसके बीज होंगे और थोड़ा सा जो फाइबर होगा वो इसी छन्नी में रह जाएगा। जूस एकदम फ्रेश निकलेगा, ना ही छानना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। तो सभी जो पीस काट कर रखे थे उनका जूस निकाल लिया है, और देखिए कितना अच्छा जूस निकल के तैयार है। बिल्कुल साफ़ है, कोई छानना नहीं है, और बहुत ज़्यादा इनमें बर्तन भी नहीं होते हैं जूस निकालने में। तो अब ले लिए 2 गिलास, और उसमें डाला है मैंने काला नमक थोड़ा सा, टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। तो इसमें हींग, जीरा और पिसा हुआ डला हुआ है। अब डाल दिए हैं आइस क्यूब, बर्फ़ के टुकड़े। आप इनको ज़्यादा ठंडा पीना चाह रहे हैं अगर जूस, तो ज़्यादा डाल दें। मैंने 2 2 पीस डाल दिए हैं, और डाल दिया है जूस तरबूज का, जो बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार है। देखिए तो 2 गिलास जूस निकला है। पूरा तरबूज मैंने नहीं काटा था, एक पीस रख दिया था, और देखिए कितना अच्छा जूस बन के तैयार है। बहुत ही ठंडा ठंडा और बहुत ज़्यादा मीठा निकला था ये तरबूज, पीकर मज़ा आ गया, एकदम ठंडा ठंडा। आप भी एक बार ज़रूर निकाल कर देखिएगा, बहुत ही आराम से जूस निकल के तैयार हो जाता है, बिना मिक्सी और बिना जूसर के। आप अपने बच्चों को ज़रूर पिलाइएगा इस तरह से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।